बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण एवं धारणीयता के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोग ने पिछली कक्षा में 10वीं में जब संसाधन पढ़ रहे थे उसमें ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग ने पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि पर्यावरण क्या है। हमने उस समय देखा था कि पर्यावरण वह है जो कि एक आवरण होता है, पूरे एक आवरण है, वह परिधन आवरण बन के वह पर्यावरण बना हुआ। जैसे कि हम कह सकते हैं मनुष्य जिस काल या परिस्थिति में जन्म लेता है वह वहाँ पर क्या जीवन यापन करता है, वह पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण के बिना मानव का जीवन जो है संभव नहीं है। फिर हम देखेंगे जैविक तत्व, जैविक तत्व और अजैविक तत्व। पर्यावरण के अंतर्गत जैविक तत्व और अजैविक तत्व पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कि जैसे हम जैविक तत्व कहेंगे तो जिसमें कि जीव होते हैं, जैसे पशु है, पक्षी है, मतलब इसके अंतर्गत जैसे पशु पक्षी वन वन जीव, मतलब जिसके द्वारा हमारी जो है संसाधन जो हमें डायरेक्ट प्राप्त होते हैं और ये हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाने में ये सहयोग करते हैं। फिर अजैविक तत्व, अजैविक तत्व के अंतर्गत जो है चट्टान है, खनिज है, ये अजैविक तत्व है। ये समझ में आ रहा है कि इसमें जीव नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारे विकास में ये सहायक होते हैं। फिर उसके बाद है पर्यावरण के कार्य, पर्यावरण के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले संसाधनों की पूर्ति करना, तो संसाधन की पूर्ति कैसे होती है, जैसे कि हमें वन से लकड़ी मिलती है, वन से ही हमें फल फूल प्राप्त होते हैं, वन से ही हमें जड़ी बूटी प्राप्त होती है। ये एक तरह से संसाधन है क्योंकि ये लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर जीवन का पोषण करना, तो जीवन का पोषण कैसे होता है, जीवन का पोषण ऐसे होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में है जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं, फल बीन कर लाते हैं, फूल बीन कर लाते हैं, जड़ी बूटी लेकर आते हैं जिसको कि बेचकर वे अपना जीवन यापन करते हैं। फिर है पर्यावरण अवशेषों को समाहित करना, पर्यावरण जो है अवशेषों को समाहित कैसे करता है, जैसे कि पर्यावरण में जैसे पत्ती गिरना, पेड़ों को पशु का मर जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं पर्यावरण में या जमीन में जब जाती हैं तो वह सड़गल जाती हैं और वह एक उसमें पर्यावरण में समाहित हो जाती हैं। फिर है जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, जीवन की गुणवत्ता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यदि हम इन सब चीज़ों का हम उपयोग करेंगे तो हमारी जीवन की गुणवत्ता स्वाभाविक है बढ़ेगी, क्योंकि हमें प्राकृतिक चीज़ें प्राप्त होंगी, प्राकृतिक चीज़ों को बेचेंगे, हमारी जीवन यापन होगी, उससे भी हमारे जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। फिर है इसकी प्रमुख समस्याएं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जो भारत में है प्राकृतिक संपदा पर्याप्त मात्रा में है लेकिन उसके जो है विकास के कारण उसमें दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण कि कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को आप लोग को पता है कि अभी वर्तमान आधुनिक समय में लोग वाहन ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे धुआं के कारण भी वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि के कारण भी होता है आदि, मतलब इनके कारण जो है वायु प्रदूषित हो रहा है। फिर उसके बाद है दूषित जल। अब ये देखिए कि दूषित जल कैसे होता है, जैसे कि कीट हम जो कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी, और फिर जो हम रासायनिक उद्योग हैं, का अपशिष्ट पदार्थ,
ये रासायनिक उद्योगों का जो अपशिष्ट पदार्थ है वही भी जाकर पानी में मिलता है, जिससे कि जल प्रदूषित होता है। और साथ ही साथ जैसे अब आपको लग रहा है कि रासायनिक जो हम दवाइयाँ उपयोग करते हैं ये पानी को कैसे गंदा करते हैं, जब मालूम है जो कि वह भूमि जो है अवशोषित करता है, तो ये सारी चीज़ें जमीन के अंदर जाती है तो उस तरह जल भी प्रदूषित होता है। अब है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण क्या है ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है कि मृदा क्षरण क्या है। मृदा का नष्ट होना बहना ये जो है मृदा क्षरण कहलाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे वनों की कटाई के और अनेक कारण हो सकते हैं जिससे कि मृदा क्षरण होता है। फिर वन्य कटाव, वही चीज है, वन्य कटाव के कारण ये मृदा क्षरण को होता है। फिर है वन्य जीवों का विलुप्त होना, जब वन कट रहे हैं या वन्य कटाव हो रहा है तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो हम वन की तरफ जो जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, हम रहने के लिए अपनी व्यवस्था करते हैं, तो इस तरह से दबाव जो है जंगलों की ओर बढ़ रहा है, जिससे वन्य जीव भी विलुप्त हो रहे हैं और जंगल भी कम होते चले जा रहे हैं। फिर जैव विविधता में हानि, जिस तरह से हम रासायनिक तत्वों का उपयोग कर रहे हैं तो जैव विविधता में भी हानि हो रही है। आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे कि एक जैव चक्र होता है, जिसके अंतर्गत कि एक चीज नष्ट होता है उसको दूसरा खाता है, दूसरे को दूसरा खाता है, और इस तरह से वह एक चक्र जो है पूरा चलता रहता है। फिर आगे है बाढ़ की समस्या। स्वाभाविक है जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, जंगलों को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि जो पेड़ होते हैं नदी के किनारे जो आजू बाजू लगे होते हैं वो पेड़ के बहाव को कम करते हैं, जिससे कि बाढ़ की समस्या को हम खुद हद तक कम कर सकते हैं, और इस तरह से हम पर्यावरण को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है ईंधन की समस्या। जंगल जो है नष्ट होते जा रहे हैं, इस तरह से हमें ईंधन की समस्या भी उत्पन्न होती जा रही है, क्योंकि उसका जो है ईंधन जो हम उपयोग करते हैं उसका वैकल्पिक रूप हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ईंधन की समस्या जो है वह उत्पन्न हो जाएगी। फिर है धारणीयता। अब देखेंगे कि धारणीयता क्या है। धारणीयता जो है पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, मतलब जो पर्यावरण है और जो हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग सभी आते हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो स्वाभाविक है वह हमें भी नुकसान पहुंचाएगी। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हरित क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हरित क्रांति तो हो रही है, उत्पादन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम भूमि को प्रदूषित करते जा रहे हैं। वह प्रदूषित ऐसे हो रही है कि हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, इस तरह से हम जो है एक धीमी गति वाला जो जहर होता है वह हमारे शरीर में जा रहा है, जिसको कि स्लो पॉइजन भी हम कह सकते हैं, और हम उस चीज़ के आदि हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जान रहे कि हम पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब धारणीयता की जो परिभाषा है वह क्या है? ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता से समझौता किए बिना उसको पूरा करे, मतलब किसी भी तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति यदि हम कर रहे हैं तो किसी तरह से समझौता ना करें और इस तरह से हम उसको पूरा करें। फिर उसके बाद है विशेषताएं, दीर्घकालीन विशेषताओं पर ध्यान। यदि हम धारणीयता या अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को यदि बचाना है तो हमें दीर्घकालीन विशेषताओं पर भी ध्यान होगा, कि यदि हम पर्यावरण को नुकसान करेंगे तो भविष्य में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ये सारी चीज़ें सोचकर हम दीर्घकालीन विशेषताओं पर भी ध्यान देना होगा। फिर दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। जैसे कि हमने पहले ही बताया प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से क्या होता है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है, ये सारी समस्याएँ जो है उत्पन्न हो रही हैं। यदि हम प्राकृतिक से छेड़छाड़ करेंगे स्वाभाविक है वही भी पलटकर हम पर असर उसका देखने को मिलेगा। जिस तरह से वर्तमान में भी तुम लोग देखते हो, 2-3 साल से आप लोग देख रहे हैं उत्तराखंड में भी और दूसरे शहरों में भी बाढ़ भूस्खलन की समस्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं। फिर प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास, प्रदूषण के कारण भी जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, इसको भी प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास करना चाहिए। जैसे ध्वनि कम हो, वायु प्रदूषण को हम किस तरह से कम कर सकते हैं उसका भी हमको प्रयास करना चाहिए। फिर धारणीयता विकास की रणनीतियाँ, धारणीयता जो है उसके विकास की हम
किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं उसके लिए कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं, जैसे कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। हमने 10th में भी पढ़ा था परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, और पिछली चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा क्या होती है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत जो है, हमने सबसे पहले जो लिया है उसके अंतर्गत जो सौर ऊर्जा है और गोबर गैस है। यदि हम इनका उपयोग करते हैं तो हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अंतर्गत यदि वायु, पवन चक्की के माध्यम से भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा के माध्यम से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में LPG गोबर गैस के संयंत्रों का प्रयोग, यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में LPG गोबर गैस के संयंत्रों का प्रयोग करेंगे तो उससे हमें डबल फायदा होगा। उससे ये होगा कि हमें एक तो खाद भी मिल जाएगा, गोबर का खाद जो हम उर्वरक खाद जो यूज नहीं करना पड़ेगा, हमें कंपोस्ट खाद इससे मिल जाएगा। और दूसरा ये होगा कि एक तो लोग धुआं से मुक्ति हो जाएगी और लोग लकड़ी काटना कम कर देंगे, गोबर गैस का उपयोग करेंगे जिसको कि LPG के रूप में लोग उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है लघु जलीय संयंत्रों का प्रयोग। अब ये है कि लघु जलीय संयंत्र क्या होते हैं, ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में यूज किए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। ये जो है जैसे कि जो पानी जो ऊपर से रिसकर आता है या बहकर आता है तो उसको छोटे छोटे उसमें करके या फिर मशीन लगाकर उसको टरबाइन लगाकर एक तो बिजली उत्पादन भी कर लेते हैं, साथ ही साथ उस पानी का जो है उपयोग जो है वह दूसरे तरीके से सिंचाई में पीने के लिए या दूसरे उसमें उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार को अपनाकर। अब पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार, जैसे हम आधुनिक समय में बोलते हैं अरे ये तो पुरानी रीति रिवाज का है, पुरानी पीढ़ी का है, पुरानी तरह से सोचता है। नहीं, वह पुरानी तरह से नहीं सोचता है, वह सिर्फ ये सोचता है क्योंकि उन लोग जो है प्राकृतिक से उस समय जुड़े हुए थे, प्राकृतिक को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते थे और साथ ही साथ उसका उपयोग भी आसानी से करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार को भी अपनाकर हम पर्यावरण को नुकसान जो होता है उसको हम रोक सकते हैं। फिर है जैविक कंपोस्ट खाद एवं जैविक कीट नियंत्रण। जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया था कि भूमि प्रदूषण कैसे होता है, ये दोनों के कारण भूमि प्रदूषण होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति जो है कंपोस्ट खाद के अधिक उपयोग करने के कारण भी उसकी उर्वरता जो है नष्ट होती जाती है। आप लोग कई बार किसानों से भी पूछेंगे तो एक बार वह एक बोरी यूरिया डालेगा लेकिन जब दूसरी बार वह उत्पादन करेगा तो उसको 2 या 3 बोरी की जरूरत पड़ती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें उर्वरा शक्ति भूमि की जो है वह किस तरह से खत्म हो रही है। फिर जैविक कीट नियंत्रण, जैविक कीट नियंत्रण के माध्यम से भी भूमि प्रदूषित होती है क्योंकि भूमि जो अवशोषित करने की उसकी शक्ति होती है और ये कीट नियंत्रण जो कीटनाशक जो दवाइयाँ होती है वह जमीन के अंदर जाती है और भूमि को प्रदूषित करती हैं। इस तरह से हम जैविक कीट नियंत्रण पर भी रोक लगाकर हम भूमि प्रदूषण को भी रोक सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम जो है आधुनिक तो बने लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षित करने का हमको प्रयास करना चाहिए। अब है आप लोग के लिए गृह कार्य है, जो पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के क्या कार्य होते हैं, भू क्षय के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन करो कि वर्तमान में पर्यावरण किस प्रकार से संकट उत्पन्न कर रहा है। फिर है धारणीय विकास क्या है। धन्यवाद।